नमस्कार, हमारे खास शो मंथन में आपका स्वागत है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसके लंबे काले घने बाल हों, पर उन लोगों का क्या जिनके सर पे कम बाल हैं या जो गंजेपन का शिकार हैं। अब ऐसी समस्याओं से जुड़े कई सारे ट्रीटमेंट पटना में भी उपलब्ध हैं। आज हम अपने शो मंथन में आपको ऐसे एक हेयर विशेषज्ञ मुकुंद लाल से मिलाएंगे और जानेंगे बालों से जुड़े समस्याओं के बारे में। हमारे शो में हेयर ट्रीटमेंट विशेषज्ञ मुकुंद लाल जी का स्वागत है। सर, हमें ये बताएं कि क्या कारण होते हैं गंजेपन होने का या कम बाल होने का। बाल झड़ने का तो कई कारण होता है, जिसमें सबसे मेन कारण होता है डैंड्रफ का, जो गलत ढंग का तेल शैम्पू इस्तेमाल करने से, केमिकल का इस्तेमाल करने से वो आता है और उसके वजह से जो है बाल झड़ता है। लोग तेल नहीं लगाते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तेल का और शैम्पू का इस्तेमाल बराबर हो, सही ढंग से हो, तो गंजापन आने का चांसेस बहुत कम रहता है। सर, एक व्यक्ति जिसके बाल झड़ रहे हैं या जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन गंजेपन का शिकार हो रहा है, वो क्या कुछ कर सकता है अपने बालों को बरकरार रखने के लिए और नए बालों को अपने सर पर लाने के लिए? नए बाल के लिए तो यहाँ पर ट्रीटमेंट उपलब्ध है, जिससे नया रीग्रोथ होता है और गंजापन रोकने के लिए वो खुद से सही ढंग का तेल शैम्पू इस्तेमाल करके उसको गंजापन को रोक सकते हैं। अगर गंजापन आ गया है तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, जो मेरे यहाँ वो बिल्कुल आयुर्वेदिक ढंग से स्टीम मसाज तेल शैम्पू से और कुछ लेप वगैरह, आयुर्वेदिक लेप वगैरह लगा करके जिसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें विद इन ए मंथ उसमें रीग्रोथ आने लगता है। उसमें भी कई तरह का ये स्टेप होता है, जिसमें कई लोग का बाल नहीं आने लायक रहता है जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। महिला लोग का किसी भी उम्र में बाल आता है, पुरुष में वो अंडर 30 में बाल आने का चांसेस रहता है। उसमें भी परसेंटेज रहता है कि कितना परसेंट आएगा या नहीं आएगा। इस तरीका से ट्रीटमेंट करके आयुर्वेद ट्रीटमेंट करके नया बाल का रीग्रोथ किया जाता है। बहुत खूब। मुकुंद जी ने अभी हमें बताया कि महिलाओं में बाल कभी भी और किसी उम्र में आ सकती है, तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छी बात है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पुरुषों में अंडर 30 में बाल आने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं। सर, हमें अपने ट्रीटमेंट के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताएं, किस प्रकार आप ट्रीटमेंट करते हैं, क्या पद्धति है? बिल्कुल आयुर्वेद पद्धति है, जिसमें बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट होता है। उसमें स्टीम लगा करके, मसाजर मशीन से मसाज होता है, हाथ से मसाज होता है, फिर वो आयुर्वेद तरीके का बनाया हुआ शैम्पू दिया जाता है। वो सब लगाने के बाद जो है वो रीग्रोथ का और लेप वगैरह लगता है, जिससे रीग्रोथ का चांसेस जो है बढ़ता है। तो सर ने हमें ये बताया कि आयुर्वेदिक तरीकों से वो करते हैं इसका ट्रीटमेंट। सर, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जैसे कैंसर या कीमोथेरेपी, जो कैंसर में करवाई जाती है, उसके तहत काफ़ी हद तक बाल झड़ जाती है, तो ऐसे लोग क्या कुछ कर सकते हैं बालों को वापस रीजनरेट करने के लिए? कीमोथेरेपी से बाल झड़ा हुआ जो है उसमें 100% रीग्रोथ हो जाता है। अगर फिर बाद में जो है वो कैंसर का रिकवरी आता है तो साथ में बाल का भी रिकवरी आ जाता है, उसमें कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो सर ने अभी हमें बताया कि कैंसर में जैसे कैंसर रिकवरी करती है तो बालों की भी रिकवरी हो जाती है, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो कैंसर वाले लोग बहुत ज़्यादा विचलित या परेशान ना हो। हम मुकुंद सर से ये जानना चाहेंगे कि और भी ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिसमें बाल झड़ जाती हैं और चांसेस ऑफ रिकवरी कितनी हैं? बहुत से लोगों को टाइफाइड होता है, लंबा बुखार होता है, उसमें भी बाल झड़ता है, जिसका रीग्रोथ कभी कभी पूरा हो जाता है। नहीं होने पर उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर 100% संभव है। और लेडी लोग में अगर मतलब प्रसव वगैरह होता है उसके बाद भी बाल झड़ता है, उसमें भी कुछ विटामिन की कमी से वगैरह से बाल झड़ता है, अगर विटामिन की कमी को पूरा कर दिया गया तो वो कभी कभी पूरा रिकवर हो जाता है, अगर नहीं रिकवर होता है तो उसका इलाज यहाँ पर संभव है। पुरुषों में तो गंजापन होता ही है सर, आजकल महिलाओं में भी काफ़ी नंबर्स में गंजापन देखा गया है, काफ़ी हद तक महिलाएं भी गंजी होते जा रही हैं, ऐसे में वो क्या कुछ ऐसा कर सकती हैं अपने बालों को सुरक्षित मेंटेन रखने के लिए? उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, उनको देख रेख में बाल को रखना चाहिए, सही ढंग से
तेल लगाना चाहिए। तेल लगाने के बाद रात में तेल लगा करके सुबह में शैम्पू करना चाहिए, और वीक में 2 दिन से ज़्यादा शैम्पू नहीं लगना चाहिए। उसमें है तेल अधिक से अधिक लगे और वीक में 2 दिन शैम्पू लगे, और टिप्स से बाल के जड़ में मसाज कर करके वो अपने बाल को सही रख सकती हैं। तो यहाँ हमने जाना कि बालों को तेल लगाने से बाल काफ़ी नरिश होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। आजकल की महिलाएं सर काफ़ी फैशनेबल होते जा रही हैं और काफ़ी केमिकल्स का यूज़ करते जा रही हैं। मशीनों का भी यूज़ किया जाता है बालों को स्ट्रेट करने के लिए, और काफ़ी हद तक कंडीशनर का भी प्रयोग करती हैं। तो इन केमिकल्स के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और कहाँ तक इनका प्रयोग करना चाहिए? केमिकल का तो बाल में कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिससे बाल में रफनेस आता है, डेंड्रफ आता है, और वो बाल झड़ने का कारण होता है। उसी के बाद से यही सब वजह है कि जो महिला लोग भी आजकल जो है गंजापन का शिकार हो रही हैं। उनको केमिकल से दूर रहकर सिंपल ढंग का तेल, आयुर्वेद तेल कोई भी हो, उसको लगा करके सिंपल सा शैम्पू लगा कर करके उनको बाल धोना चाहिए, जिससे उनका बाल सही रहे। तो सर ने बताया कि केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सर आप हमें बताएं क्या कुछ ऐसे घरेलू उपचार हैं जो बालों में लगाने से बाल और अच्छे घने हो सकते हैं, बाल और मुलायम हो सकते हैं? उसके लिए तो सही ढंग का तेल शैम्पू ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। सही ढंग का तेल शैम्पू लगेगा तो बाल का देख रेख सही ढंग से हो जाएगा, उसमें कुछ लगाने की और एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। और ऐसे आंवला रीठा सिक्का काई वगैरह से बना हुआ शैम्पू अगर यूज़ करती हैं तो वो ज़्यादा बेटर है केमिकल बेस्ड शैम्पू से। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शैम्पू व तेल को चयन करने से पहले? उसमें सबसे मेन कारण मैंने देखना चाहिए कि उसमें केमिकल का असर मैंने पोटेंसी कम हो। केमिकल कम से कम रहेगा तो बाल में खराबी कम से कम होगा। सर तो आप हमें बताएं कि कितने दिनों में बालों की रिकवरी हो जाती है, मतलब कहाँ तक इंसान आशा रखे और कितने समय तक उसके बाल वापस आ सकते हैं? बाल अगर झड़ रहा है तो उसका तो रिकवरी जो है 3 दिन में हो जाता है, उसमें 80% झड़ना रुकता है। अगर 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 बाल झड़ चुका है तो उसमें 20 से 25 दिन लगता है, जिसमें नया बाल का रीग्रोथ होने लगता है, और वो 1-1.5 महीना में बाल का मतलब रूट दिखने लगता है, और उसमें 4 से 5 महीना लगता है जिसमें बाल पूरा से घनापन लगने लगता है। कभी कभी बहुत लोगों को 7 से 8 महीना लगता है, कभी कभी लोगों का 3 महीना भी इलाज होता है, और कभी कभी 1 साल भी इलाज होता है। वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट झड़ा हुआ है, कितना परसेंट रिकवर आएगा, उस पर डिपेंड करता है कि क्या समय लगेगा। तो सर का कहना है कि कभी कभी 4 से 5 महीने का समय लगता है और हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से यह समय आगे भी बढ़ सकता है। सर आप हमें ये बताएं कि खान पान में और जीवन शैली में किस प्रकार की बदलाव लाने की ज़रूरत है अगर इंसान बालों को लंबा और घना देखना चाहता है, किन किन ऐसे चीज़ों का सेवन करना चाहिए? खान पान में सबसे पहले आंवला का कोई भी प्रोडक्ट जो है खान पान में शामिल करना चाहिए, और सलाद वगैरह का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, उसमें रेड मीट वगैरह जो है अवॉइड करना चाहिए, और ये जो है मैंने कोई भी चीज़ ऐसे अधिक मतलब शराब वगैरह ये वो सबसे दूर रहना चाहिए। उसमें क्या है कि आपका बाल बिगड़ने का चांसेस कम रहेगा। उसमें मेन होता है कि पेट अगर बिगड़ेगा तो बाल बिगड़ेगा, तो पेट को सही रखने के लिए उसमें जहाँ तक हो आप खान पान को सिंपल रखिए, सादा रखिए। तो खान पान में मुकुल जी का कहना है कि आप तेल मसालों को कम करके रखिए, साथ ही साथ नशीले पदार्थों का सेवन कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद जी का, जिन्होंने हमें बालों से रिलेटेड कई सारे समस्याओं का हल बताया और कहीं ना कहीं गंजे होने वाले लोगों पे एक उम्मीद जगाई है। तो ऐसे लोग जिनके बाल कम हैं या जो गंजे हो रहे हैं, आज उनके पास एक उम्मीद की किरण है, और वो किरण है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वो किरण है एक आयुर्वेदिक तरीके से तेल और मसाज करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद सर हमारे बीच आने के लिए और दर्शकों को बालों से रिलेटेड इतनी अच्छी अच्छी बात बताने के लिए। हम अपने शो में आपको ऐसे ही लोगों से मुखातिर करते रहेंगे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।